हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज हम आपके लिए क्लास 9th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज के लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाना हम सीखेंगे। कल के लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालना सीख लिए थे। लेट्स स्टार्ट। वी हैव अ इक्वेशन x + 2y = 6। नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। देन व्हाट वी शुड डू, हमने कल ही बताया था द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ व्हाट आर द मिनिमम कंडीशन टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने की सबसे मिनिमम कंडीशन होती है एट लीस्ट टू पॉइंट्स। अगर आपको कम से कम दो पॉइंट पता है तो आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। Now, how can we find these two points? Then, what are the process of solving a linear equation in two variable? First of all, you have to put the value of x and alternate value of x. Then you find an alternate solution of y. जब आप x की कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू पुट करोगे तो आपको y की एक अल्टरनेट वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0 देन यू विल गेट y इक्वल्स टू 3। अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y आपको कितना मिलेगा, 3। एंड सो ऑन अप टू इफ यू पुट x इक्वल्स टू 2 देन यू विल फाइंड y इक्वल्स टू 2। इफ यू पुट x इक्वल्स टू 4 देन यू विल फाइंड y इक्वल्स टू 1। एंड इफ यू पुट x इक्वल्स टू 6 देन यू विल फाइंड y इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव following points and these points are the solution of the given linear equation in two variable. Now what is the process of writing these points? First of all we write x point. देखो इनको लिखने का process क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं x x x की value, फिर किसकी value लिखते हैं, y की value। तो y की value कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 0, 3। फिर इस पॉइंट की वैल्यूज क्या होंगी, 2, 2। एंड अनदर पॉइंट इज 4, 1। एंड सो ऑन अप टू ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 6, 0। नाउ हाउ कैन वी प्लॉट द स्ट्रेट लाइन यूजिंग दीज पॉइंट्स। हम एक स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इन पॉइंट्स का यूज करके। सो नाउ लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दीज टू लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ x-axis। x-axis कैसी लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जो आपने सीखी है। पहले एक ऐसी लाइन बनाओ, उसी के ऊपर परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, दैट इज y एक्सिस। देखो अभी यहां कार्टेशियन सिस्टम जो ग्राफ पेपर होता है उसमें क्या होता है, ग्राफ पेपर में वर्टिकल्स लाइन होती हैं एंड सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। देन आपको अगर ये ड्रॉ करना हो तो ग्राफ पेपर में इट इज क्वाइट इजी टू ड्रॉ दीज लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस लाइन x एक्सिस, then what we should do, we draw this way x axis। सबसे पहले अगर x axis draw करनी होगी तो हम क्या खींचेंगे, x axis की एक line, and we have to draw y, then similarly draw a line perpendicular to y, and to draw this line perpendicular to this line you have some reference lines। देखो इसके ऊपर एक perpendicular line ही draw हो, इसके लिए graph का जो paper होता है उस पे already perpendicular lines draw रहती हैं। उनमें से किसी एक लाइन के ऊपर आपको अपनी पेंसिल से क्या करना है, फिर से उसी लाइन के ऊपर पेंसिल चलानी है। देन यू ड्रॉ दी फॉलोइंग फिगर। यू हैव y एक्सिस, यू हैव x एक्सिस। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, तो आपको यहाँ पे जहां पे ये दोनों अपने आप को कट कर रहे होंगे, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। एंड ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, 0। तो यहां आ गया ओरिजिन। अब ओरिजिन से x एक्सिस के राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू +1, +2, +3। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन वाले पॉइंट पॉजिटिव 1, 2, 3। लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट नेगेटिव -1, -2, -3, -4। डाउनवर्ड डायरेक्शन के पॉइंट नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंस होगी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म होगी। कहने का मतलब है 1 और 2 के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में होगी। ये एक रफ फिगर है तो यहां से आपको एक्यूरेट आइडिया नहीं लग रहा देख के, लेकिन
जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सक्सेसिव कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो वो क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, नॉन यूनिफॉर्म ना हो। इफ दिस डिस्टेंस इज वन ब्लॉक देन दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन ब्लॉक एंड सो ऑन अप टू फॉर ऑल अदर वैल्यूज दैट आर प्लॉट ऑन द ग्राफ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लॉट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको प्लॉट करना है वो क्या है, 0.3। नाउ हाउ कैन वी प्लॉट 0.3, तो कल हमने आपको समझाया था जो पहला जो वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो यहाँ पे हम पे दोनों वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो इसको प्लॉट करने का बेसिक मेथड हमने ये सब कुछ डिटेल में कार्टेशियन सिस्टम हमने अपने कार्टेशियन सिस्टम वाले चैप्टर में समझा रखा है, स्टिल यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं। बट अगर आपको डिटेल में इसके बेसिक समझने हो तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके कार्टेशियन सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसको देख लेना। अब यहाँ पे जीरो चलेंगे किधर, x एक्सिस, ये डिस्टेंस जो होती है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है y एक्सिस से। देखो है ये x की वैल्यू, लेकिन ये शो करती है कि y एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है। इधर देखो, मान लो ये y एक्सिस है, अब y एक्सिस से ये मार्कर कितना दूर है, इसको बताने के लिए या तो हम इसकी टिप से बताएंगे या फिर इसके बॉटम से बताएंगे। तो इस पॉइंट, ये इस लाइन से कितना दूर है, यही डिस्टेंस किसकी डिस्टेंस होती है, ये x वाली वैल्यू। तो ये होती है x की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। सिमिलरली y की वैल्यू जो होती है, ये मार्कर अगर हम यहां रख दे तो इस लाइन से, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इस लाइन से जैसे मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन से ये मार्कर कितनी दूर है, तो या तो इसकी टिप से बताओ या इसके बॉटम से बताओ। मान लो टिप से अगर बताएं तो इस पॉइंट की इस मार्कर से डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वही किसकी वैल्यू आती है, वही वाई की वैल्यू होती है। समझ गए? तो इस पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए पहले जीरो, जीरो किस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मतलब आपको चलना ही नहीं है बिल्कुल भी, और वाई एक्सिस पे कितना है, तो एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे हम, जीरो, दैट मींस एक्स एक्सिस की तरफ हमको बिल्कुल भी नहीं चलना है, यहीं खड़े रहो। नेक्स्ट है हमारा 3, तो वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे, वाई एक्सिस पे हम चलेंगे 3, तो वाई एक्सिस पे 3 चलेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है और इसको हम क्या मार्क कर देंगे, 0.3। नेक्स्ट पॉइंट कितना है, 2.2। पहला पॉइंट x का होता है तो x पे 2 पहुंचेंगे, यहां होते हैं ओरिजिन पे, ओरिजिन से 2.2 को प्लॉट करना है, तो पहले 2 x एक्सिस पे पहुंचो, यहां गए ये आ गया 2, अब 2 y एक्सिस पे पहुंचो तो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चलेंगे, तो ये 2 किसका है, y एक्सिस का। तो यहां पे ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 2.2। देखो ये पॉइंट ना तो x के ऊपर आया ना y के ऊपर आया, क्यों, क्योंकि इसकी ये जो मार्किंग है वो x और y कितनी है, x से 2 यहां आ गए, अब y पे कितना है 2, तो बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे और जहां 2 होगा वहीं पे रुक जाएंगे और इस पॉइंट को मार्क कर देंगे 2.2। सिमिलरली 4.1, तो पहले 4x पे फिर 1 y पे, सिमिलरली 6.0, तो 6x पे और 0 मतलब y पे, चलना ही नहीं है यही रुक जाओ। इन सब पॉइंट्स को हमने जोड़ा तो क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और ये लाइन क्या है, AB। तो ये तो हो गया ड्रॉ करना। अब इसके कुछ बेसिक्स जो मैं आपको समझाऊं, तो कल हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी लाइन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जब आप इस इक्वेशन को, सॉरी, किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप इस लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करोगे तो क्या बनी एक लाइन। अब इस लाइन के ऊपर ये सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दैट मींस लाइन के जो पॉइंट है, लाइन के जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ लाइन, लाइन के जो पॉइंट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशंस को, किसको, सॉल्यूशंस को, और किसका सॉल्यूशन, उस पर्टिकुलर इक्वेशन का, या इसका रिवर्स बोले तो इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस इक्वेशन से बनने वाली लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल 1.1 इस लाइन पे नहीं आ रहा, वो यहां पे,
तो वो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अगर आप यहां पे 1,1 पुट करोगे एक्स और वाई की जगह, तो ये 1,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, एक्स की जगह 1 रखने पे, वाई की जगह 1 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। अगर ऐसा नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के इक्वल नहीं आती, तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। और ये बात कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे, हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ के नेचर के बारे में पढ़ना है। ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसके नेचर को डिटेल में स्टडी करना है। तो मैं यहां पर अगर आपसे एक चीज बोलूं कि ये जो आपकी इक्वेशन है इसको वाई के टर्म्स में लिखो, तो y की टर्म्स में लिखने का मतलब क्या होता है, हमने क्या बताया था, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारी इक्वेशन कितनी है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब इस इक्वेशन को y की टर्म में लिखने के लिए y का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा और y के अलावा कोई और टर्म यहां नहीं रह जाए, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो 2y के साथ अभी 2 भी है और x एडिशन में, तो x को उस तरफ भेजो, 2y equals to 6 minus x। इसको एक arranged order में लिखेंगे, arranged order में variable पहले आता है, constant term बाद में, तो 2y equals to minus x plus 6। Now 2 यहां किस में है, divide में, multiply में sorry, और इस तरफ जाएगा तो divide में जाएगा। Now y equals to 2 को इधर divide में भेजा, minus x plus 6 upon 2। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, तो थोड़ा इधर देखो क्या आएगा, इसको रफ कर देते हैं, इधर देखो y इक्वल्स टू कितना आया है, माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन 2। इसको इधर नोट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन 2। एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है जिसे देख के आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। इधर देखो x के नीचे 2 डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज व्हाट 3। 2 को दोनों के नीचे लिख दिया इंडिविजुअल, पहले x के नीचे फिर 6 के नीचे, तो 6 अपॉन 2 हो गया 3 और माइनस x अपॉन 2 इज एज इट इज। यहां से ये पर्टिकुलर इक्वेशन बन गई। और इसको मैं और क्लेरिफाई करके लिखता हूं, तो यहां देखो y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है माइनस x अपॉन 2। मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 x प्लस 3। इसको ध्यान से देखो, माइनस 1 अपॉन 2 में x का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, माइनस x अपॉन 2। तो कुछ भी बदलाव नहीं किया, बस लिखने का तरीका बदल दिया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये पता है किस फॉर्म से रिलेट कर रही है, ये अभी आपने स्ट्रेट लाइंस डिटेल में नहीं पढ़ी, लेकिन जब आप 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स पढ़ोगे देन यू हैव टू स्टडी द नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटेल। Now the line which are in the form of y equals to mx plus c is always form a straight line। अब आपको मैं बता देता हूं कि y equals to mx plus c के form में जो भी line लिखी जाती है वो हमेशा straight line form करती है। अब यहां ये क्या चीज represent कर रहे हैं, x का coefficient हमने किससे represent किया है, m से। What is m here? m is called the slope of the line। m क्या कहलाएगा, line का slope। अब जो c लिखा है हमने, c किसको represent कर रहा है सर, तो c represent कर रहा है y intercept को। इस word पे ध्यान देना, y intercept। Now what is y intercept, what is slope, क्या है सर ये, तो इधर समझो, मैंने मान लो for example यहां पे एक graph बनाया, इस graph में या फिर ऐसे समझो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, यहां पे कोई लाइन है, तो ये लाइन इसको किस एंगल पे, ये जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है, ये जो लाइन है हमारी, ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है वही एंगल क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द लाइन। समझे, ये जो एंगल की वैल्यू होती है, टेंथ वैल्यू जो होती है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो टेंजेंट की वैल्यू सीख जाओगे। अभी बस आप इतना सीख लो, स्लोप का मोटे मोटे तौर पे मतलब ये होता है कि जब आप कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो वो जो स्ट्रेट लाइन है
वो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है और वो जो एंगल होता है उसका टेन कंपोनेंट दैट इज टेन थीटा किसकी वैल्यू देता है स्लोप की दैट इज एम। अगर आपको कोई लाइन दे रखी है आप उसको इस फॉर्म में लिख देते हो तो ये फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्स का कोएफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप को और स्लोप क्या होता है वो लाइन एक्स के साथ एक्स एक्सिस के साथ जितने का एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट ही क्या कहलाता है उस लाइन का स्लोप। नाउ इस लाइन को मैं थोड़ा घुमाता हूं तो जैसे जैसे ये पीछे होती जाएगी ये एंगल बड़ा होता जाएगा। मान लो ये लाइन यहां पे आ गई तो ये एंगल बड़ा हो गया, ये लाइन यहां पे आ गई तो ये एंगल और बड़ा हो गया। अब सी क्या बताया हमने वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे कट करता है वही सी की वैल्यू होती है। जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है y equals to mx plus c, तो 3 किससे रिलेट कर रहा है c से और c क्या बताया था y इंटरसेप्ट। अब जरा अपना ग्राफ देखो, अपना ग्राफ y एक्सिस को अपनी जो लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है 3 पे दैट इज c। ये हमें ऑलरेडी पता था जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इधर देखो क्या आया, इधर c की जगह 3 आया। तो बिना ग्राफ को बिना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप बताओ या फिर लाइन का वाई इंटरसेप्ट बताओ, वाई इंटरसेप्ट मतलब कि लाइन वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है उसको किस फॉर्म में लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। और एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखने पे हमारी इक्वेशन कितनी आई -1/2x + c। हमारा जो स्लोप आया वो आया -1/2 और जो हमारा वाई इंटरसेप्ट आया वो कितना आया 3, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। यहां पे जो एक सबसे गौर करने वाली बात है स्लोप मान लो 0, स्लोप मान लो कितना है -1/2। तो इधर ध्यान से देखो अगर मैं इसी इक्वेशन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में अगर c की वैल्यू रख दूं 0 तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स। तो कहने का मतलब है वो इक्वेशन जो किस फॉर्म में होती है y इक्वल्स टू एम एक्स में वो x y एक्सिस को किस पे कट कर रही होती है 0 पे। यहां हमने y इंटरसेप्ट किस में कन्वर्ट कर दिया 0 में, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 0 क्या हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स। दैट मींस ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 4x, अगर कोई आपसे पूछे कि ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगी लाइन, तो ये y एक्सिस को ओरिजिन पे कट करेगी। क्यों? क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट कितना है 0 है और ये हमने कहां से पता किया इस पर्टिकुलर फॉर्म से पता किया। तो ये आपको हमेशा याद रखना है स्लोप y इंटरसेप्ट। आप बिना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए ये बता सकते हो कि आपकी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और कितना टेंजेंट बनाएगी किसके साथ x एक्सिस के साथ दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो x एक्सिस का जो कोएफिशिएंट होगा इस फॉर्म में ये स्लोप कहलाएगा और जो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या कहलाएगा y इंटरसेप्ट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर डिटेल में सारे क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच।